नमस्कार, मैं हूँ राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज 10th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर था और सारे बच्चे आ चुके बाहर। हम जानते हैं उनसे कि कैसा उनका पेपर है और क्या डिफिकल्टी लेवल था क्वेश्चन का, ये जानते हैं। चलिए सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है। आदित्य बडेरिया मेरा नाम है। मेरा स्टैंडर्ड था मेरा पेपर। और ओके, तो ये बताइए आपका सेट कौन सा था। सेट वन था मेरा। सेट वन था, तो उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा था। डिफिकल्टी लेवल नॉर्मल था। पिछले साल से थोड़ा डिफिकल्ट रहा है पेपर और क्वेश्चंस बुकेश एनसीईआरटी लेवल से थोड़े ऊपर हाई लेवल था। हाई लेवल। नाम क्या है। मेरा नाम अरीशा अहमद है। अरीशा, अरीशा मुझे ये बताइए कि एमसीक्यूज की जो लेंथ थी, यानी कि जो एमसीक्यूज आप नेक्स्ट साल भी किए हैं, तो क्या सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा, ट्रिकी क्वेश्चन थे या फिर इजी थे, आपने टिक मार्क्स करके और उसका आंसर लेके आ गए। नहीं, हमें सॉल्व ही करने पड़े थे सारे क्वेश्चंस। ऐसे हम देख के उन्हें गैस नहीं कर पा रहे थे कि मतलब हमें आंसर एकदम देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि इसका आंसर क्या है। हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ रहा था, तो उसमें हमारा थोड़ा टाइम भी वेस्ट हुआ। जैसे हम लोग ने सोचा था कि एमसीक्यू रहेंगे तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा, हमारा टाइम बचेगा, लेकिन उसमें हमें सारे क्वेश्चंस को 10 क्वेश्चंस सारे हमें सॉल्व करने पड़े। तो अब ये बताइए कि जो इस बार मतलब जो अपना सीबीएसई बोर्ड है उसने स्टैंडर्ड और बेसिक मैथमेटिक्स को अलग अलग किया है, इसका कुछ फ़ायदा मिला आपको। इसका फ़ायदा वैसे बेसिक वालों को ज़्यादा है, क्योंकि उनका बुकेश चलता है क्वेश्चंस पूरे, और हम लोगों के लिए इतना वो फ़ायदा नहीं है जो सीबीएसई देना चाह रहा है। अच्छा, ओके, अब हम इनसे जानते हैं क्या नाम है। मेरा नाम ऋषभ पुष्पद है। ऋषभ मुझे ये बताइए कि आपने जो तैयारी की अपने मैथ पेपर की, किस तरह से तैयारी की। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने सैम्पल पेपर लगाए, बाकी एनसीईआरटी का सारे चैप्टर को रिवाइज किया 4 से 5 बार। तो सिंपल पेपर से आपको कुछ फ़ायदा मिला। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन मीन्स बेसिक, मेरा बेसिक है तो बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल पेपर के थे तो सीबीएसई ने इशू किए थे। अच्छा, अभी बताइए इस बार एनसीईआरटी जो सीबीएसई है उसने एक नया फॉर्मेट लेके आए थे कि एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आए थे, तो उससे आपको कितना फ़ायदा मिला। उससे सर कोई फ़ायदा तो नहीं था, हालांकि जो पहले 1 मार्क के आते थे सेक्शन ए में उसमें ज़्यादा फ़ायदा था, क्योंकि उसमें थोड़ा हम सॉल्व कर पाते थे। इसमें एमसीक्यूज़ में और फिलिंदा ब्लैंक्स में हमें सॉल्विंग के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ रिमेंबरिंग के लिए है। तो इसमें मैथ्स में भी हमको रिमेंबर करना पड़ता है, यानी याद रखना पड़ता था। पहले सेक्शन ए में से आते थे तो हमको उसको सॉल्व कर लेते थे। कौन सा सेक्शन आपके हिसाब से ज़्यादा टफ था। सेक्शन ए ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा टफ। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर एमसीक्यूज़ नहीं आते तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाते। हाँ, अगर एमसीक्यू की जगह 1 मार्क टाइप आते तो शायद 2-4-5 नंबर ज़्यादा ही आते। सब्जेक्टिव आते थे, स्टेप मार्किंग मिल जाती है, सब्जेक्टिव में स्टेप मार्किंग मिल जाती है, इसमें एमसीक्यू में स्टेप मार्किंग रहते नहीं है। कुशा, अगर आप ये बताइए कि आपके जो क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे एनसीईआरटी से आए थे या एनसीईआरटी से बाहर भी आए थे। सर जैसे मेरा पेपर बेसिक था तो ज़्यादातर तो एनसीईआरटी से आए थे और आसान भी थे, 5% ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से होंगे बस। अच्छा। बाकी और जो एमसीक्यूज थे वो एमसीक्यूज जो है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे या फिर कुछ ज़्यादा टफ थे जिसको आप कर नहीं पाए। सर कॉन्सेप्शनल बेस भी थे और टफ भी थे, लेकिन ये था कि हमें सॉल्व करना पड़ रहा था, इजीली उसके आंसर गैस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ना उसमें सॉल्यूशन बेस पे थे, थोड़े से ट्रिकी थे, ज़्यादा नहीं थे। अभी मेरे अपना नाम बताइए। मेरा नाम आर्यन गढ़वे है। आप ये बताइए पेपर आपने कहाँ से स्टार्ट किया, डी से स्टार्ट किया या सेक्शन ए से स्टार्ट किया। मैं हमेशा पेपर सेक्शन डी से चालू करता हूँ क्योंकि पहले 4 मार्क्स के क्वेश्चन मार्क्स पूरे सिक्योर कर लेते हैं, फिर सी, फिर बी, फिर ए। ऐसे तो आपने डी से स्टार्ट किया। आप ये बताइए कि ए से डी जाने में आपने डी सेक्शन को कितनी देर में कंप्लीट कर लिया था। डी सेक्शन कंप्लीट हो गया था अप्रॉक्स 1 आवर में। तो बताइए कि आप सीबीएसई को क्या सजेशन देना चाहते हैं, आगे पेपर अच्छा बनाए, ये कुछ भी ऐसा जो सजेशन आप देना चाहे तो दे सकते हैं। मैं सीबीएसई को ये सजेशन देना चाहता हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तीनों सेट में वो अलग अलग दें, क्योंकि इससे चीटिंग कम हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए आप बताइए, आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे। हाँ, मैं ये सजेशन देना चाहूँगी कि जो सारे क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कॉन्सेप्शनल बेस्ड बने और सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बने, ताकि कोई पॉइंट्स भी ना छूटे और ना सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन वो कवर कर सके। आप ये चाहते हैं कि पूरा सिलेबस कवर हो। हाँ, अभी शायद ऐसा पेपर नहीं आया था जिससे पूरा सिलेबस कवर हो रहा होगा। नहीं हो पा रहा था। चलिए चलिए ठीक है। चलिए आप बताइए, आप भी कुछ देना चाहेंगे सजेशन। हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे इस बार क्या हुआ था कि सेक्शन डी में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग नहीं था, मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं था, वो क्वेश्चन सेक्शन बी या सेक्शन सी में होना चाहिए था। तो सीबीएसई को ऐसा करना चाहिए कि क्वेश्चंस जो हैं वो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग होने चाहिए। और आप ये बताइए कि आपने अपना पेपर कितनी देर पहले कम्प्लीट कर लिया था। मैंने 5-10 मिनट पहले हो गया था मेरा कम्प्लीट पेपर। मैं जानना चाहता हूँ अगर आपका पेपर कितनी देर पहले कंप्लीट हुआ, ये मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताओगे। वो कितने नंबर आने की उम्मीद है आपने। 75 अबव आने की पूरी उम्मीद है। आपने पेपर उतना टफ था नहीं जितना मतलब हमने सोचा था कि स्टैंडर्ड है तो थोड़ा टफ आ सकता है, लेकिन इतना टफ नहीं था, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के अंदर ही था।
आप मुझे बताइए, अभी मैंने पेपर देखा आप लोग का, उसमें स्टैंडर्ड में कोई भी थ्योरम शायद नहीं आई है, थ्योरम वाले क्वेश्चन नहीं आए, जबकि ऐसा माना जाता है कि सभी टीचर जो है वो थ्योरम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आपको कैसा लगा ये? थ्योरम उन्होंने दिए नहीं, दी नहीं, देना चाहिए और इम्पोर्टेंट रहती है थ्योरम, और सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर की भी सारी थ्योरम इम्पोर्टेंट रहती है, पर उन्होंने एक भी नहीं दी, जो कि हमें डायरेक्ट मार्क्स मिल जाते हैं, चार मार्क में आती हैं, तीन मार्क में आती हैं, और प्री बोर्ड वगैरह और स्कूल के पेपर वगैरह सैम्पल पेपर में भी थ्योरम दी, और इधर स्टैंडर्ड फाइनल पेपर उसमें थ्योरम नहीं दिए। चलिए मैं आपसे एक फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप एनसीईआरटी को या आप अपने जो सीबीएसई बोर्ड है उसको क्या संदेश देना चाहते हो, क्या आपका सजेशन है जिसके थ्रू वो और अच्छा अगली बार कर सके आगे वाले बच्चों के लिए? ये स्टैंडर्ड बेसिक का सिस्टम खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। आप लीनियंट चेकिंग, लीनियंट चेकिंग आप बताइए, ठीक था जो है, ठीक चल रहा है, बस थोड़ा एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी डालना चाहिए, मतलब जो बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है उसको कंटिन्यू आप रखना चाहते हो? रखना चाहते हैं, बस ये है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के उनको जरूर डालें, क्योंकि एक भी ऐसा जो इंपॉर्टेंट मार्क थे जो हमको लगा बहुत इंपॉर्टेंट है हर साल आए, वो एक भी क्वेश्चन नहीं आए। अपना नाम बताइए। शिवान शर्मा। शिवान मुझे ये बताइए आपका कौन सा सेट आया था? सेट टू। सेट टू आपने तीनों सेट देखे हैं? तीनों सेट देखे। कौन सा सेट टफ लगा? सेट वन टफ था। सेट वन टफ, उस सेट में आपको क्या लगता है कि आपने कितने नंबर आपके आ जाएंगे? मेरे 55 अबाव तो पक्के, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो आपका बेसिक था? नहीं, स्टैंडर्ड। मैंने ऐसा पेपर देखा है कि स्टैंडर्ड में इस बार थ्योरम नहीं आई है, तो क्या रीज़न था थ्योरम? आपने तो बहुत पढ़ाई की होगी थ्योरम की, सभी टीचर बताते कि थ्योरम आनी आनी है, तो आपको कैसा लगा थ्योरम नहीं देख के? हाँ, थ्योरम तो मैंने सारी पढ़ी थी, बाकी क्वेश्चंस पे इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन थ्योरम भी मतलब नहीं थी तो क्वेश्चंस भी आ गए मुझे, ऐसा नहीं। अच्छा, जो थ्योरम के जगह पे जो क्वेश्चन थे वो आपने कर लिए? हाँ, कर लिए। चलिए अच्छी बात है। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि पेपर लेंदी था? लेंदी हाँ, थोड़ा तो था। आपने कितनी देर पहले अपने पेपर को कम्प्लीट कर लिया था? मैंने डॉट टाइमिंग पे ख़त्म किया था। पर मैं जो आपने पेपर करके आई उसमें कितने नंबर आने की उम्मीद है? मेरे 70 अबव तो आ ही जाएंगे, 70, 60 या 70। जैसे आरिशा ने कहा कि उनके 70 मार्क्स आ जाएंगे, आपके कितने मार्क्स आएंगे अपने पेपर में मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आप बताइए आपका क्या नाम है? हुज़ैफ़ा खान। हुज़ैफ़ा खान, आपने अपना जो पेपर है, आपने जो अपना तैयारी की थी मैथमेटिक्स, तो उस किस तरह से आपने तैयारी करी साल भर, और जो बीच में अभी गैप मिला था उसमें आपने कैसे तैयारी करी? मैंने पहले एनसीईआरटी सॉल्व करी थी, उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, सैंपल पेपर सॉल्व किए थे, उस तरह से मैंने तैयारी की थी। आपका नाम बताइए। आर्यन लक्ष्मणी। आर्यन, आर्यन मुझे ये बताइए कि आपका पहले तो बताइए कि आपने स्टैंडर्ड लिया था कि बेसिक लिया था? स्टैंडर्ड लिया था। आप बता सकते हैं कि स्टैंडर्ड आपने क्यों लिया था? स्टैंडर्ड मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि स्टैंडर्ड और बेसिक में, बट मेरे को मैथ्स अच्छी लगती है तो स्टैंडर्ड मेरे को लगा कोई दिक्कत नहीं है, इतना पढ़ता हूँ कि स्टैंडर्ड में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा मानूँ कि आप आगे चल के मैथमेटिक्स मैथ्स के ग्रुप में ले जाते? बायो का भी डिसाइड कर लिया फाइनली, जब ये सब हुआ था स्टैंडर्ड बेसिक का, उसके बाद ही डिसाइड किया कि मेरे को बायो लेना आगे चल के, तो इसलिए। सीबीएसई बोर्ड है, उन्होंने एमसीक्यूज दिए थे, तो आपको क्या लगता है कि एमसीक्यूज आपके लिए ठीक रहे? MCQ ठीक थे बट काफ़ी ज़्यादा थे, और मतलब MCQ ऐसा था कि पूरे सॉल्विंग में जा रहा था तो काफ़ी लेंदी हो जा रहा था उसके कारण पेपर, मतलब एक एक क्वेश्चन सिर्फ जस्ट टिक करना नहीं था हमको, उसका पूरा आंसर निकालना था फिर टिक करना था, तो बहुत लंबा। मतलब क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर MCQs नहीं आते तो आप ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन के पेपर कर पाते? हाँ, ज़्यादा ईजी कर लेता और नंबर भी अच्छे आ जाते। नंबर भी अच्छे आ जाते। अभी बताइए कि क्या आप CBSE को कुछ अपना सजेशन देना चाहते हो? पेपर थोड़ा लंबा मत बनाओ यार, बहुत लंबा जा रहा है। तो आप चाहते कि पेपर की लेंथ थोड़ी कम कर दी जाए? लास्ट ईयर तक 30 क्वेश्चन आते थे, इस बार उन्होंने 40 क्वेश्चन कर दिए, इस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम है? जी बिल्कुल है। नाम बताइए। लकी दादलानी। भी बताइए कि क्वेश्चन के जो क्वेश्चन आए थे आपके, तो वो मार्क्स के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ थी या लेंथ उसकी ज़्यादा थी? MCQ में जो क्वेश्चन आए थे उनकी लेंथ ज़्यादा थी, कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो 3 मार्कर क्वेश्चन थे, उनको 1 मार्क में दे दिया था। तो इसका मतलब कि MCQs आपके लिए उतने ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहे जितने रहने चाहिए? नहीं, फायदेमंद नहीं थे वो, पहले जो 1 मार्क के आते थे वो ज़्यादा फायदेमंद थे, क्योंकि उसमें कम भी होते थे और हो भी जाता था वो। आप बेसिक से हैं कि स्टैंडर्ड से? स्टैंडर्ड। क्यों चुना था आपने स्टैंडर्ड? क्योंकि मुझे हायर क्लास में मैथ्स लेनी है। अच्छा, आप आगे चल के मैथ साइंस लेना चाहते हो इसलिए। तो आप ये बताइए कि आपने अपना जो पेपर है वो कितनी देर में कम्प्लीट कर लिया था? 45 मिनट्स पहले हो गया था। तो आपको तो बहुत टाइम मिला होगा उसको रिवाइज़ करने का? हाँ, रिवाइज़ तो 3-4 बार रिवाइज़ कर लिया उसको, और मगर क्या हुआ कि एक क्वेश्चन में ज़रा सिली मिस्टेक हो गई, नहीं तो फिर पूरे 80 थे। अच्छा, तो मतलब हम ये माने कि आपके शायद 80 नंबर आ जाए, भगवान करे आपके 80 नंबर आ जाए। एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई तो 78 प्लस। चलिए, तो आपके कितने नंबर आने वाले हैं आप मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएंगे कि आपके नंबर कितने आने वाले हैं। अच्छा, आप ये बताइए आपने अपना जो पेपर है वो कहाँ से स्टार्ट किया था, डी सेक्शन से या ए सेक्शन से? सेक्शन डी से चालू। इसकी कोई खास वजह?
मुझे ज़्यादा लिखने की आदत है, मैं छोटे क्वेश्चन में भी ज़्यादा एक्सप्रेशन दे देता हूँ, तो मेरे टीचर्स ने एडवाइस किया था कि तुम लास्ट सेक्शन चालू करना ताकि ज़्यादा लास्ट में दिक्कत नहीं हो और टाइम बचे, तो वो बहुत फ़ायदेमंद हुआ, 45 मिनट्स पहले ही हो गया उसका। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से हमने जाना कि जो आज का पेपर था टेंथ का मैथमेटिक का पेपर वो किस तरह से रहा। हम जो बच्चों ने हमको जो सजेशन दिए हम CBSE तक जरूर पहुंचाएंगे और हम चाहते हैं कि जो भी बच्चों का जो सजेशन है उसको CBSE माने और उस पर काम करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।